श्री विष्णु पुराण 14वां अध्याय प्राचीन ब्रह्मी का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्रथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्दधान से उनकी पत्नी शिखंडी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना धीष्णा ने प्राचीन ब्रह्मी शुक्र, गया, कृष्ण, व्रज और अर्जुन, ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन ब्रह्मी एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुनि, उनके समय में यज्ञ अनुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्नि कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसीलिए वे महाबली प्राचीन ब्रह्मी नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उन समुद्र कन्या स्वर्णा के प्राचीन ब्रह्मी से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन ब्रह्मी ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन ब्रह्मी बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसीलिए यदि तुम सफलता चाहते हो, तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ किया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाग्र चित से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी, वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की, वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं।
जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के स्वामी है, कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पुत्रगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो घाम शीत और जल के उद्गम स्थान हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक और पितृगण का काव्य भुक मुख है, उस अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो प्राण अपान आदि पांच प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है, उन वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उन अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। जो शर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल प्रभु हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उन अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उनके लय का भी स्थान है, उन प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं। जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उन ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है न पतला है, न मोटा है न छोटा है, और न काला है न लाल है, जो स्नेह द्रव कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी अर्थात जीव से भिन्न है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज रजोगुण रहित अशब्द अमृत गति शून्य और असंवृत अर्थात अनाच्छेदित है, एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिनका ईश्न अर्थात शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है, तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है, भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री भगवान विष्णु में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिए। प्रचेताओं ने पक्षी राज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम किया, जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी,
वह सब उनसे निवेदन की। तदंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।